तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं वीलुकअप का अल्टरनेटिव फॉर्मूला मैच इंडेक्स के बारे में एंड ऑफसेट के बारे में। तो आखिर क्यों यूज करेंगे हम इंडेक्स मैच या ऑफसेट, इसकी बात करते हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में आपने देखा कि वीलुकअप हमारा हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने आपको बताया कि जो मेरा यूनिक आईडी है जिसके बिहाफ पे हमें लुकअप करना है वो सबसे स्टार्टिंग में होना चाहिए। अब यहीं पे प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग में रहे इसकी गारंटी नहीं है। जैसे कि इसको उठा के हम यहां पे डालते हैं, क्योंकि हर बार मेरा यूनिक आईडी जो है स्टार्ट में हो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या सर? अब मान लीजिए कि मुझे यहां इस आईडी दिया हुआ है 1 और मुझे इसमें नेम चाहिए। अब देखिए इस आईडी के बाद जो प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, टैक्स है, टोटल है, ये सारी चीज को तो वीलुकअप लुकअप कर सकता है, बट इसको नहीं कर सकता, क्योंकि वीलुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है, राइट टू लेफ्ट नहीं चलता है। और जो वीलुकअप में जो सिलेक्शन देते हैं रेंज का, टेबल रेंज का, जो पहला कॉलम होता है उसी में डेटा को मैच करता है। तो यहां पे वीलुकअप की लिमिटेशन आ जाती है। समझे सिप्टन जी? जी सर, अब इसका हम क्या यूज करते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच का। देखिएगा ध्यान से, हमने आपको पहले बताया था कि मैच का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चलता है। तो मैच में हमने 1 को लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया पूरे को, कॉमा 0, इसने 1 को मैच किया और सीक्वेंस नंबर 2 दे दिया। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं सीक्वेंस नंबर की, नॉट ए रो नंबर की। इसने यहां से काउंट किया 1 एंड 2। अगर मान लीजिए कि मैं सिलेक्शन में हेडिंग हटा देता हूं, अब यहां पे 1 आएगा। 1 मतलब ये वैल्यू 1 नहीं, इसका सीक्वेंस 1 दिया। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। अब 101 तो इसने 1 दिया। तो मैच जो है रो इंडेक्स नंबर एंड कॉलम इंडेक्स नंबर देता है, रो नंबर नहीं देता। यहां पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, इसलिए मैं जोर देकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो दोबारा बोलिएगा, मैच रो क्या करता इंडेक्स नंबर सीक्वेंस काउंट देता है, सीक्वेंस काउंट देता है सर। अगर मान लीजिए ना मैं यहां पे 113 कर दिया, तो यहां पे 13 आया ना सर। तो 13 मतलब ये 13 नंबर रो नहीं, इसे यहां से काउंटिंग शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ओके, 13 सीक्वेंस लेता है। ओके, या अगर मैंने इसको स्टार्टिंग से कर दिया, यहां मान लीजिए कि H1 से कर दिया ना, यहाँ पे आप सिलेक्शन H1 से स्टार्ट है हेडिंग से, अब यहां 14 दे रहे हैं। क्योंकि इसने काउंटिंग यहां से शुरू कर दिया, कहां से, यहां से 1 2 3 इस तरह से। सॉरी, ये जो 14 दे रहा है, ये 14 नंबर फिर सेल का नंबर दे रहा है। हाँ, काउंट सेल का काउंट नंबर यहां से काउंट कर रहा है 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11, यहां से काउंट करके इसने 14 नंबर काउंट दे दिया। इसने बताया कि कितने सेल बाद है, समझे? एक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये मैच बता रहा है कि 14 नंबर जो सेल है, पर ये नहीं बता रहा कि कॉलम कौन सा या रो कौन सा है। नहीं, कॉलम तो आपने इस डेटा में सिंपल एक ही कॉलम सिलेक्ट हुआ ना, जिसमें एक ही कॉलम सिलेक्ट होता है सर। ठीक है, मैच में एक ही कॉलम सिलेक्ट होता है, रो या कॉलम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों वर्क करता है, तो कोई एक ही सिलेक्ट होता है। तो उसने बोला कि आप, इसने बताया कि 113 नंबर H1 से H16 के अंदर में 13वें नंबर पे है। ठीक सर। ठीक है,
यहां से आ गया। अब हमारे पास एक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, इंडेक्स फॉर्मूला जस्ट लाइक वीलुकअप, वो वैल्यू आपका वैल्यू देता है, लेकिन इसमें आपको बताना होता है कि आपका रो नंबर एंड कॉलम नंबर क्या है। जैसे हमने इंडेक्स फॉर्मूले में डेटा को सिलेक्ट किया और बोला कि इस डेटा से तुम जो है चौथा नंबर कॉलम 14 नंबर रो दो, इसमें क्या करेगा, क्या करेगा कि चौथे नंबर कॉलम पे जाएगा 1 2 3 4 और यहां से 14 नंबर 14 नंबर रो को काउंट करेगा और ये आगे यहां पे आ गया और इस दे देगा टीना। हमने उल्टा कर दिया सर, उल्टा कर दिया सर, यहाँ पे 14 नंबर रो एंड 4 नंबर कॉलम उल्टा दे दिया था सर, आ गया ठीक ना। तो हमने बोला कि भाई A1 से P16 में जाओ, 14 नंबर रो एंड 4 नंबर कॉलम पे आओ, उसका डेटा दे दो, ठीक है? ठीक है। अब इसमें जो हमने 14 नंबर मैनुअल लिखा हुआ है, इस 14 नंबर को मैनुअल के जगह पे हम मैच के रिजल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ टीना आ गया। अब मैं यहाँ पे 110 करूंगा, मैं यहाँ पे 104 करता हूँ, आ गया सर, 108 करता हूँ, 102 करता हूँ, दिख रहा है सर? ठीक ठीक एक तरह से वीलू आपकी तरह वर्क किया ना सर। तो मैच और इंडेक्स को आपस में अगर हम मिला देते हैं तो क्या होता है, वीलू कब जैसा फॉर्मूला क्रिएट होता है बट उससे बेटर। बेटर क्यों? क्योंकि वीलू कब में हमें लेफ्ट टू राइट का यू बताता है, राइट टू लेफ्ट नहीं, बट मैच और इंडेक्स से मिला दें तो हम किसी भी तरीके से इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है सर? ठीक है, मैच इंडेक्स समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि इंडेक्स में भी प्रॉब्लम है कि हमें डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन डेट में डेटा का कॉलम या रो बढ़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें इंडेक्स का अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। इंडेक्स का अल्टरनेटिव क्या है? ऑफसेट। एक इंडेक्स की तरह ही ऑफसेट का फॉर्मूला है, बट इसमें क्या होता है कि हमें स्टार्ट ऑफ द डेटा सिलेक्ट करना है, हमें पूरा डेटा इंडेक्स की तरह सिलेक्ट नहीं करना है। और इसमें जो रो नंबर है, हमने इसके अंदर जो रो नंबर है तो रो नंबर क्या है, यहां 3 है तो हम यहां 2 डालेंगे, और कॉलम नंबर 4 है तो यहां पे हम 3 डालेंगे। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया हमने? सर रिकॉर्डिंग का परमिशन दीजिए सर प्लीज। ऑफसेट की जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। सर रिकॉर्डिंग का परमिशन दीजिए। दे दिया सर। अब मान लीजिए कि दो रो भरना है तो 0 1 दो हो गया, बट इंडेक्स में क्या है, 1 2 है, इसलिए ऑफसेट में हमेशा 1 कम दिया जाता है। इसने क्या किया, यहां से 2 रो के लिए काउंटिंग शुरू किया 0 1 2 और 3 कॉलम के लिए 0 1 2 3 और पूजा को शुरू कर दिया। मैं समझा नहीं सर। लखीकांत जी बेसिकली आप लेट ज्वाइन किए हैं ना, इसलिए। हाँ सर, वो अभी अभी नेट चालू हो गया। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा तो समझ में आएगा सर, तो पूरा क्लास को दोबारा बताना पड़ जाएगा। अच्छा, फिर मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या है कि हम वीलुकअप का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। क्या होता है कि वीलुकअप आप लगाते हैं तो आपका जो
स्टार्टिंग डेटा है उस जो आपका जो रो इंडेक्स नंबर जिसके यूनिक आईडी है जिसे आप ढूंढना चाहते हैं वो स्टार्टिंग में होना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक डेटा सेट आया जिसमें मेरा जो एसआईडी है जिसके बिहाफ से डेटा उठाना है हमें वो बीच में है, तो वी लुकअप इसमें वर्क नहीं करेगा। वी लुकअप वर्क करेगा तो एसआईडी से आगे के डेटा को उठाएगा, पीछे के डेटा को नहीं उठाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज किया है, एक यूज किया है मैच और इंडेक्स और दूसरा यूज करने जा रहा हूँ ऑफसेट एंड मैच। तो मैच फॉर्मूला क्योंकि मैं लास्ट क्लास में भी समझाया था वो क्या करता है, किसी भी रो सेल वैल्यू को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वर्क करता है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में इसने इसने 102 को इसमें इस एरिया में सर्च किया, सर्च करके इसका काउंट बता दिया कि 1, 2, 3 पे है, 3 नंबर पोजिशन पे है। अब इंडेक्स में हमने क्या किया, पूरा डेटा को सिलेक्ट करके बोला भाई तीसरा नंबर रो एंड चौथा नंबर कॉलम का डेटा उठाओ। ये तीसरा नंबर रो पे गया और चौथे नंबर कॉलम पे जाके इसका डेटा उठा के आपको दे दिया। बट इंडेक्स में प्रॉब्लम क्या है कि हमें पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, तो ऑफसेट क्या है कि सेम काम को करता है, इंडेक्स की तरह ही करता है, इसमें जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द डेटा देना पड़ता है, इसे पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो नेम नंबर दिया जाता है, रो नंबर कॉलम नंबर दिया जाता है, वो इंडेक्स के मुताबिक एक कम दिया जाता है क्योंकि अपनी काउंटिंग जो है जीरो से शुरू करता है। मैच का रिजल्ट आ रहा है 3 तो यहाँ पे 2 डालना है और चौथा नंबर कॉलम आपको का रिजल्ट चाहिए तो आपको 3 डालना होगा। तो इसने क्या किया, यहां से A1 से गया और यहां से 0, 1, 2 और फिर 0, 1, 2, 3 यहां पे आ गया और रिजल्ट दे दिया पूजा। तो यहां पे जो 2 हमारा रो नंबर है इसका रिजल्ट हम मैच के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब मैच के साथ हम कनेक्ट करेंगे तो इसमें -1 कर देंगे, ठीक है। तो ये वी लुकअप की तरह वर्क करने वाला फॉर्मूला मिल गया। तो आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हैं, एक तो आपके सामने मैच और इंडेक्स फॉर्मूला है और दूसरा ऑफसेट और मैच फॉर्मूला है। लेकिन मैच इंडेक्स को भी चाहिए और मैच ऑफसेट को भी चाहिए, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। डाउट इसमें सर? सर पर आपने यहाँ पे मैच के जगह पे C21-1 डाला है सर, तो सी ट्वेंटी लगा हुआ है ना। अच्छा, इस मैच को यहाँ कॉपी कर दीजिए। अच्छा, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बार जो मेरा है, हम बात कर रहे हैं एच लुकअप की। अब यहां पे हमने इसको यहां से ट्रांसपोज कर दिया, तो यहां जो आपके सामने दिख रहा है मेरा जो यूनिक आईडी था, जो एसआईडी नंबर था, वो एसआईडी नंबर अब जो है वो वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। यहां पे वी लुकअप वर्क नहीं करेगा, मुझे यहां पे 104 की क्वांटिटी देखनी है। तो वी लुकअप से तो नहीं देखी जा सकती है, तो यहां पे हम एच लुकअप लगाएंगे।
का हमने इसको सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किया और इसमें हमने 1, 2, 3 नंबर दे, जस्ट लाइक वी लुकअप। बस वी लुकअप में क्या, वी लुकअप में क्या है कि लेफ्ट टू राइट करते, यहाँ पे टॉप टू बॉटम करते हैं, वहां पे कॉलम नंबर डालते, यहाँ पे रो नंबर डालते हैं, ये आपका डेटा आपके सामने आ गया। समझिए सर, अब इसको भी मैच और इंडेक्स से किया जा सकता है। यहां पे आप मैच का फॉर्मूला लगाएंगे और 101 को सिलेक्ट करके इसके कॉलम में सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैच फॉर्मूला जो है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों में वर्क करता है। 104 का कॉलम नंबर दे दिया, पांचवा नंबर कॉलम। अब यहां आप इंडेक्स फॉर्मूला लगाएं, डेटा को सिलेक्ट करें, और यहां पे आप दें कि रो इंडेक्स नंबर हमने सिलेक्ट किया, या रो थ्री देंगे ना, रो थ्री एंड कॉलम नंबर फोर। कॉलम नंबर में ये दे देंगे सर, फाइव हो, इसको दे देंगे मैच का रिजल्ट। तो तीसरा नंबर रो एंड पांचवा नंबर कॉलम, जैसे 51। अब जैसे मैं यहां पे 106 डालूंगा, एंटर होते देखिए 20 आ गया, 22। और जब इंडेक्स लग सकता है तो ऑफसेट भी लग सकता है। हमने इसको सिलेक्ट किया, रो नंबर में हमारा 3 है तो 2 हो जाएगा, और कॉलम नंबर 7 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट, अब जैसे इसी एग्जांपल को हम लेते हैं जिसने मित्र से जमेला किया, अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है 19 या फिर ऑफिस 365, तो जस्ट आप एक्स लुकअप लगा सकते हैं। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने बोला 105, फिर बोलता है टेबल एरे, किसमें ढूंढना है, हमने बोला कि हमें इसके अंदर ढूंढना है। फिर आता है रिजल्ट एरे कि रिजल्ट किसको देना है, तो हमने बोला नेम को देना है। आ गया सर। अब इसमें एक चीज और भी हो सकता है कि एनए आ गया, तो मैं चाहता हूं एनए की जगह पे वैल्यू नॉट फाउंड का मैसेज दे, तो यहां पे देखिए चौथा आता है इफ नॉट फाउंड, हमने यहां पे दे दिया वैल्यू नॉट फाउंड। इसमें इफ एरर लगाने का भी झंझट नहीं। अच्छा, तो क्या है एक्स लुकअप। अब जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं क्या इसमें भी एच लुकअप के जगह पे भी एक्स लुकअप वर्क करेगा, तो चलिए हम आपके साथ ट्राई करके देखते हैं। यहां पे देते हैं एक्स लुकअप, हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, लुकअप एरे कि किसमें ढूंढना है, हमने बोला इसमें ढूंढना है। फिर आता है रिजल्ट एरे, क्या रिजल्ट चाहिए, तो हमें क्वांटिटी चाहिए, तो हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया, रिजल्ट 22 आ गया। तो आपका एच लुकअप हो, वी लुकअप हो, मैच हो, इंडेक्स हो, सब पे आपका एक्स लुकअप भारी पड़ता है। समझ गए? हाँ सर। आपके अपडेटेड वर्जन में ही यूज होता है। समझे? आपके पास लोअर वर्जन है तो बाकी जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है सर। कोई डाउट सर इसमें? नहीं सर। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। हाँ सर, कल हम इसके आगे बात करेंगे। सर मुझे कल वाला वीडियो थोड़ा भेज दीजिए ना प्लीज। कल
कल क्लास नहीं हुई थी, कल जस्ट इनकी प्रॉब्लम का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। अच्छा सर, अच्छा ठीक है सर। चलिए शुरू करते हैं, कल की क्लास में बात करेंगे बाकी चीजों पे। ओके ओके सर।